हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज नेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं, पहले पॉलीनोमियल को याद कर लेते हैं। पॉलीनोमियल होता क्या है, हमने पढ़ा था पॉलीनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं और पी एक्स कुछ भी हो सकता था। जैसे एक जनरल एक्सप्रेशन था ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स ए एन, इसे कहते थे हम लोग पॉलीनोमियल। इसकी कुछ कंडीशन थी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, डिग्री डिफाइंड होनी चाहिए, तो उसे पॉलीनोमियल बोलते हैं। इतना जानते हैं ये एन डिग्री का पॉलीनोमियल था। ऐसे ही अगर वन डिग्री का होता था तो लीनियर पॉलीनोमियल, टू डिग्री का तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, थ्री डिग्री का तो क्यूबिक पॉलीनोमियल, जीरो डिग्री का तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ये पॉलीनोमियल की कैटेगरी वाइज थी डिग्री के बेसिस पे। लेकिन अब हमें पढ़ना है इक्वेशन। पॉलीनोमियल इक्वेशन में लगभग सिमिलरिटी 90% है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है, वो है इक्वालिटी का साइन। यहाँ पर इक्वेशन वर्ड आता है इस वजह से, यहाँ इक्वालिटी का आता है। मतलब अगर हम पॉलीनोमियल को इक्वल टू में जीरो करते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं पॉलीनोमियल इक्वेशन। अगर हम इसी को ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स ए एन इक्वल टू जीरो करते हैं तो ये कहलाएगी पॉलीनोमियल इक्वेशन विद डिग्री एन। लेकिन हमें एन डिग्री का पॉलीनोमियल इक्वेशन नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू डिग्री इक्वेशन। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए। तो सिंपल सी बात करते हैं, एन एलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइन। कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा इस फॉर्म में। अब यहाँ वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल वाई हो सकता है, वेरिएबल जेड हो सकता है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई कांस्टेंट होंगे, ए बी सी की जगह वन टू माइनस वन रूट टू रूट थ्री कुछ भी हो सकते हैं। बस हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो ना हो। अगर बाई चांस सपोज करो ए इक्वल टू जीरो हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री हो जाएगी वन। इसलिए स्पेशल कंडीशन लगती है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इस एक्सप्रेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें सबसे पहला काम है उसे सिंपलीफाई करना होगा। जैसे अगर इसे पहचानना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, बिकॉज यहाँ पर एक्स की पावर टू चल रही है, वन चल रही है, इधर अलग पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल की सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, थ्री टर्म एक्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड सारी कंडीशन डिग्री इसकी टू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर हमें कह दिया जाता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये टर्म आ गया है एक्स की पावर हाफ का। हमें पता है एक्स की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। एक्स की पावर क्या क्या हो सकती है, जीरो वन टू थ्री, यही पॉलीनोमियल की डेफिनेशन थी। और हाईएस्ट पावर टू है, क्वाड्रेटिक तब होता जब ये पहले पॉलीनोमियल होता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर हमें और भी कुछ सिंपलीफाई करना, जैसे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स एक्स, एक्स इंटू टू टू एक्स, वन इंटू टू टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ऑन सिंपलीफाइंग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो इसे सॉल्व करने पर हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स की पावर टू है एंड सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चेक करना है, तो सबसे पहले उसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। उसके लिए उसे सिंपलीफाई करना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी है, उसके बाद बताना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई कहे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन थ्री एक्स माइनस टू,
तो मुझे पहले से सॉल्व करना होगा 3x² + 2x - 1। ये नहीं कि मैं डिग्री देख रहा हूँ बोल दूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले से सिंप्लीफाई करेंगे x into 3x, 3x² - 3x - 2x + 2। एंड जब एक साइड लाएंगे तो 3x² से 3x² कैंसिल होगा, ऑब्वियसली निगेटिव, प्लस 2x, माइनस 5 का इधर आएगा तो प्लस 5x, माइनस 1, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, ट्रांसफर करके इधर 0 बना लेंगे। अच्छा सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, 5 to 7x - 3। तो सॉल्व करने पर तो ये आया कैसा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऐसे ही कि नहीं बिना सिंप्लीफाई करें हम नहीं बता सकते वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। अगर इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये रही आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स और उसके कॉन्सेप्ट की ओर, चलते हैं समझते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं, जैसे हमने पॉलीनोमियल में जीरोस पढ़ा था वैसे ही यहाँ इक्वेशन में रूट्स होते हैं। रूट्स हमें कैसे निकालने, क्या निकालने, वो सब मेथड अभी पढ़ेंगे। पहले रूट्स समझते हैं क्या है। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है सपोज 2x - 1 = 0, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो x = 1/2 मीन्स x की एक सिंगल वैल्यू ऐसी आई है जो इसे सेटिस्फाई करेंगे। इसे सॉल्व करके हमने ये निकाला है तो x = 1/2 लीनियर इक्वेशन की के लिए रूट्स का काम करेगा। तो रूट्स तो सिंपल सी बात करें, जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें रूट्स कहते हैं। लेकिन रूट्स कितने होंगे, जितनी डिग्री का इक्वेशन होगा। अगर वो लीनियर इक्वेशन है 1 डिग्री का है तो 1 रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है 3 होंगे, पावर फोर का इक्वेशन है तो उसके पास 4 रूट होंगे। तो डिपेंड करेगा कितने डिग्री का इक्वेशन है। तो हमारे पास तो जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली उसकी 2 डिग्री का होगा तो उसके पास 2 रूट होंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 की बात करें है 2 रूट्स, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, तो हम वो रूट्स याद रखने हैं। अब ये रूट्स निकालने का जो मेथड है ये हमें याद रखना है, हमें इन्हीं रूट को निकालने के मेथड को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशन है उसी को कहेंगे रूट्स। तो इसके हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला हमने पहले से पढ़ के रखा है फैक्टराइजेशन, हमें आता है क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन बड़ी इजीली। सेकंड चीज हमने पढ़ा नहीं है, अब पढ़ेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला ऑब्वियसली इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पर है, लेकिन इसे कुछ लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, बुक्स में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा रह सकता है। एंड थर्ड वन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये एक लौता ऐसा मेथड है जो आगे चल के बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बट सीबीएसई ने लास्ट ईयर से बोर्ड से हटा दिया है, तो आपकी बार ये बोर्ड में नहीं आएगा, बट इसे सिखा दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस के बता दिए जाएंगे ताकि जब फ्यूचर में मैथ ली जाए और कुछ इंटीग्रेशन के टॉपिक हैं कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पर ये मेथड बहुत काम आता है, तो ये यूजफुल है इसलिए थोड़ा सा बता दिया जाएगा। बट पर्पज से एग्जाम पर्पज से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बंद हो गया लास्ट ईयर से, अब फैक्टराइजेशन और सीधा चार्जर फॉर्मूला ही आते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड समझने के लिए एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन मेथड मैंने सामने 3 लिखे हैं, आई थिंक सफिशियंट होंगे बाकी समझने के लिए। ये पहले भी क्लास 8 और 9 में किया है, पर समझना है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले वाला सॉल्व करते हैं, x² - 8x + 15। तो हमें दो चीजें बड़े सिंपली याद रखनी है, यहाँ पर और यहाँ पर जो लिखा रहता है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो कोफिशिएंट में 1 है, तो 15 1 जब 15 मतलब 15 एंड यहाँ पर 8,
अब हमें एक काम करना है, यहाँ का साइन देखना है, प्लस लिखा है, तो हमें सोचनी है दो नंबर जिन्हें ऐड करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। तो दो नंबर ऐसे ही जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 और ऐड करें तो 8, 538 एंड 53 जब 15, तो इसे हम लिख सकते हैं 8x की जगह पर 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15। अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। पहले दो में कुछ कॉमन होगा एक्स, एक्स माइनस 5, लास्ट दो में कुछ कॉमन होगा तो 3 कॉमन है, माइनस भी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव एंड यहाँ निगेटिव। हमें पता है जब भी हम ब्रैकेट के बाहर कुछ माइनस के साथ कोफिशिएंट कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ तो प्लस हो गया था और यहाँ पर हो गया माइनस। अब पूरे एक्सप्रेशन से एक्स माइनस 5 का पूरा फैक्टर कॉमन है तो बचा एक्स माइनस 3। अब हम एक एक फैक्टर को जीरो कहेंगे, जब इसे जीरो करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 5 और जब इसे जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 3। तो गिव रिक्वायर्ड रूट्स हो गए x इक्वल टू 5 एंड 3। नेक्स्ट में चलते हैं समझने के लिए। यहाँ पर भी दो नंबर है इमेजिन करनी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो इस पर सब्ट्रैक्शन देखना होगा, हमें हमेशा कॉन्स्टेंट टर्म के आगे साइन देखना चाहिए। अगर आगे प्लस लिखा है कॉन्स्टेंट टर्म के तो हमें ऐड करना है, और अगर माइनस लिखा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो या कुछ नहीं है तो 1 है और मल्टीप्लीकेशन 72 हो, तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 72 और सब्ट्रैक्शन 1, 9, 8 जस 72, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 की जगह पर 9 माइनस 8। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो जाएगा इससे तो x माइनस 9, यहाँ से 8 कॉमन होगा x माइनस 9, यहाँ से पूरे एक्सप्रेशन से x माइनस 9 का फैक्टर कॉमन होगा, सेकंड ब्रैकेट पे x प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर से अगर हम पहले वाला ब्रैकेट जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 9, और अगर दूसरा वाला ब्रैकेट जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 8। तो अकी बार रिक्वायर्ड जीरो रूट्स हैं x इक्वल टू 9 एंड माइनस 8। देखिए सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड में फिर से देखते हैं, यहाँ 6 लिखा है यहाँ 1 लिखा है तो इनका प्रोडक्ट तो 6 होगा। अब यहाँ माइनस लगा है और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कोफिशिएंट तो 1 होगा। तो तुम्हें दो नंबर सोचनी है जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो और प्रोडक्ट 6 हो। सब्ट्रैक्शन कैसे पता मुझे, यहाँ के साइन से। 1 क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ है और इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है इसलिए प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो, सब्ट्रैक्शन 1 हो, 3 एंड 2, 3 2 जो 6, 3 माइनस 2 इज 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन होगा 3x बचेगा कितना, x प्लस 2x प्लस 1, माइनस कॉल करेंगे तो 2x प्लस 1। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सेम आना चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब यहाँ कुछ गलती हुई थी। 2x प्लस 1 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, पहले वाले को 0 करते हैं, इफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस हाफ, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1/3। सो रिक्वायर्ड रूट्स आर x इक्वल टू माइनस हाफ एंड 1/3। इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट निकाल सकते हैं, तो ये काफ़ी इजी मेथड है और क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन इतना टफ टास्क नहीं है। तो इस तरीके हम जो फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे, अब चलते हैं सेकंड मेथड पर। चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड का नाम था सिद्धाचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिद्धाचार्य फॉर्मूला क्या होता है, इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पे है सिद्धाचार्य फॉर्मूला। सपोज करो लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दी गई है। देन x इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू इंटू ए. डेट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला. देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन इतना टफ नहीं है, काफी इजीली सॉल्व याद कर सकते हैं. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जहां पर सबको पता है a क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होगा कोफिशियंट ऑफ x, एंड c क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म विद इन साइन, जो भी साइन होंगे उसके साथ साथ. अगर हमें कोई सपोज करो इक्वेशन दे दी जाए एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और हम मुझे यूज करना हो श्रीधराचार्य, तो सबसे पहले मुझे ए बी सी फाइंड करने होंगे. तो ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस फाइव एंड सी इक्वल टू सिक्स. Then formula is Sridharacharya formula. X equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. सारी value put करेंगे. X equal to minus b तो minus minus 5 plus minus root minus 5 whole square minus 4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 6, whole upon 2, a की जगह पर again 1. इतना लिखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस माइनस रूट माइनस फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स फोर जै 24, माइनस 24 एंड अपॉन टू वन जै 2. तो x इक्वल टू फाइव प्लस माइनस 25 माइनस 24 रूट 1, और रूट 1 इज आल्सो 1 अपॉन 2. अब यहां से प्लस और माइनस क्या लें, तो सबसे पहले एक बार यहां लिखेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन. जब पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू फाइव प्लस वन अपॉन टू सिक्स अपॉन टू इक्वल टू थ्री. ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, x इक्वल टू फाइव माइनस वन अपॉन टू विच इज फोर अपॉन टू इक्वल टू टू. सो वी कैन से रिक्वायर्ड रूट्स of given quadratic equation are x equal to 3 and 2 both. इस तरीके से हम quadratic equation का यूज करके roots निकाल सकते हैं. याद रखने वाली चीज है, suppose करो कोई equation ऐसी दी जाती है 3x square minus 5 equal to 0 का, जब quadratic formula यूज करके root find करो, तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पर x नहीं है, तो compare जब करेंगे तो a equal to 3 है, ऑब्वियसली x का कोफिशियंट नहीं है, मींस उसका कोफिशियंट जीरो होगा एंड c इक्वल टू कितना होगा 5. एंड फिर से यही वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे और सॉल्व करके दोनों रूट फाइंड कर लेंगे. तो इस तरीके से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं. अब चलते हैं तीसरा मेथड और काफी यूजफुल इन फ्यूचर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखते हैं.